बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी का बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ पर पल में स्टार्स दोस्त तो पल में दुश्मन बन जाते हैं। यही नहीं, कुछ स्टार्स तो दूसरे स्टार्स का मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में एक स्टार थे राजकुमार, जो किसी का भी मजाक बनाने या फिर उसे फटकार लगाने में पीछे नहीं रहते थे। राजकुमार बहुत बेबाक एक्टर थे, जो उनके दिल में होता था वही जुबान पर भी। किसी की कोई बात बुरी लगती तो तुरंत फटकार लगा देते। वो कब किसकी बेइज्जती कर दे ये कोई भी नहीं जानता था। आपको ऐसा ही सालों पुराना एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब राजकुमार और अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार की बेइज्जती कर दी थी। दरअसल ये किस्सा एक शाही पार्टी के दौरान हुआ था। इस पार्टी में इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स और एक्टर्स को बुलाया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजकुमार भी शामिल हुए थे। अमिताभ बच्चन इस पार्टी में सूट बूट पहनकर शामिल हुए थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन बेहद स्मार्ट लग रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग उनके और उनके सूट की जमकर तारीफें कर रहे थे। इसी बीच जब राजकुमार की नजर अमिताभ बच्चन के सूट पर पड़ी तो उन्होंने भी तारीफें की और उनके पास जाकर कहा, तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है और हमें पसंद आया। राजकुमार जैसे सुपरस्टार के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अमिताभ काफी खुश हुए। वहीं राजकुमार ने तारीफ करते हुए आगे अमिताभ बच्चन से सूट की दुकान का पता भी पूछा। उन्होंने कहा कि ये सूट किस दुकान से खरीदा तुमने। अमिताभ बच्चन ने उस दुकान का पता बताते हुए राजकुमार से पूछा कि क्या आप भी ऐसा सूट सिलवाना चाहते हैं। तो इस पर राजकुमार ने अमिताभ बच्चन को बीच में ही टोक दिया और कहा, हमारे घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने हैं और तुम्हारे सूट का कपड़ा हमें अच्छा लगा। हालांकि ये सुनते ही अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोले और वो वहां से चले गए। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राजकुमार ने किसी का ऐसे मजाक उड़ाया हो। उनके कई ऐसे किस्से हैं जिसमें उन्होंने मुंह पर सच्चाई कही हो या उनका मजाक बनाया हो, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और रामानंद सागर जैसे लोगों के नाम शामिल है। रियल लाइफ में एक्टर राजकुमार को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। वो कब किसे क्या बोल दें ये किसी को नहीं पता था, इसलिए हमेशा लोग उनसे बस्ट नजर आते थे। राजकुमार अपनी डायलॉग डिलीवरी और खास स्टाइल के लिए भी मशहूर थे। 60 के दशक में बतौर हीरो उन्होंने कई हिट फिल्में दी। वक्त, हीर रांझा, हमराज, दिल एक मंदिर, कागज समेत कई हिट फिल्में दी। 80 के दशक में भी वो बहुत बिजी एक्टर रहे। उस दौरान में तिरंगा, जंगबाज, पुलिस मुजरिम और सौदागर जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में गले में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।